अच्छा अभी जो है ये 1 kg का हमने वटा रखा है, ये दिखाओ यहाँ पर 1 kg का वटा रखा है हमने, लेकिन यहाँ पर 1 kg तकरीबन 20-25 ग्राम शो कर रहा है, 250 ग्राम शो कर रहा है, हम हटाते हैं तो ज़ीरो भी कर रहा है। तो इसकी कैलिब्रेशन कैसे है? कैलिब्रेशन का अगर आपको कोई भी ऐसा स्केल जिसकी आपको कैलिब्रेशन कोड ना पता हो, ठीक है ये TCS का स्केल है, लेकिन अगर कैलिब्रेशन कोड ना पता हो तो फिर आपने कैलिब्रेशन किस तरीके से करनी है कि सिंपल आपने इसको खोल देना है। खोलने के बाद आपने ये चेक करना है, ये जंपर इस तरह का लगा होगा, ये जंपर लगा हुआ है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, शार्ट करना है, ठीक है। शार्ट करने के बाद आपने इंडिकेटर को ऑन करना है, पहले आपने ये पीछे से बंद कर देना है, ये शार्ट किया, ये शार्ट कर दिया मैंने कोई भी पेचकस से या जो पीछे के नट पेच निकले होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जैसे फर्ज करें ये पेच है, तो ये पेच को आपने दरमियान में ये इस तरीके से फंसा देना है, ठीक है ना। फंसाने के बाद आपने सिंपल यहाँ से आपने ऑन कर देना है, जब ये आप ऑन करेंगे तो ये पॉइंट 2 लिखा हुआ आ जाएगा, हम 2 पॉइंट पे चला रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये जो हमने शार्ट किया था इसको हमने निकाल देना है, निकालने के बाद हमने पॉइंट 2 आ गया, 2 पॉइंट पे चला रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमने टीयर के बटन को प्रेस कर देंगे, डिवीज़न इसकी 5 है, हमने फिर टीयर के बटन को करेंगे, फुल कैपेसिटी आ जाएगी, फुल कैपेसिटी इस टाइम 100 kg है, ठीक है। फिर हमने टीयर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर अनलोड आ जाएगा, जब अनलोड आएगा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कोई भी वजन नहीं रखना, प्लेटफॉर्म जो है ये वाला प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस टाइम खाली है। तो फिर हमने टीयर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लोड लिखा हुआ आ गया, तो लोड हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है, लोड हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया, उसके बाद हमने फिर टीयर के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ आ रहा है, यानी जिस वेट से हमने कैलिब्रेशन करनी है वो वेट हमने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे हमने 1 kg का डेड वेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, तो 1 kg हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर गलत हो गया तो यहाँ पर कैंसिल के बटन से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो दोबारा लिखने हैं, तो यहाँ पर हमने 1 kg लिख दिया, उसके बाद हमने सिंपल टीयर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर डेड वेट को हटाता हूँ, ज़ीरो भी कर रहा है, दोबारा मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर डेड वेट रख रहा हूँ, यहाँ पे 1 kg का दोबारा रखा तो यहाँ पे भी 1 kg हमें पूरा बता रहा है। यानी इससे ये होगा कि जो भी ऐसा स्केल जिसके आपको कैलिब्रेशन नहीं पता, कैलिब्रेशन कोड नहीं पता, वो इस तरीके से आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं।